अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम मुनीर फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। वेलकम टू प्री नर्सरी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की डायरी। हमें सबसे पहले कॉपी का काम करना है, फिर हमें वर्कबुक का काम करना है, देन बुक रीडिंग और फिर साइंस। ओके, लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट डिजिट ऑफ काउंटिंग है और इसका नाम है वन। इसको क्या बोलते हैं? वन। बोले मेरे साथ, वन। वन मैंगो, वन मैंगो। ये क्या बना हुआ है? मैंगो है ये। इसको क्या बोलते हैं? मैंगो। वन मैंगो, वन मैंगो। लेट्स कलर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कलर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पर्पल कलर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। आपने बेटा कलर को अच्छे से पकड़ना है, ठीक है? अच्छे से कलर को होल्ड करना है और यूं ऐसे आपने कलर करना स्टार्ट करना है, ठीक है? आपने पेंसिल को एक अच्छे से पकड़ना है, दूसरा कलर्स आपने अच्छे से करने हैं। आपने अच्छे से कलर्स करने हैं, ठीक है? ऐसे ढंग से आपने कलर करने हैं। आप पेंसिल जब अच्छे से पकड़ोगे ना और यूं एक लाइन में कलर करोगे तो आपके कलर ऑटोमेटिकली ठीक होंगे, ठीक है? और जितने आपके प्यारे कलर्स होंगे उतना ज़्यादा ये नीट लगेगा। ये लें भाई, हमारे वन में कलर हो गए हैं, अब हम करेंगे मैंगो में कलर, ठीक है? तो मैंगो बेटा आपको पता है ना, येलो होता है और मैंगो के ऊपर हमने ग्रीन कलर करना है। तो सबसे पहले आप ग्रीन कलर पकड़ें और यहाँ पे कलर करें, ठीक है? ये हो गया यहाँ पे ग्रीन कलर। अब येलो कलर पकड़ें और मैंगो में कलर करें मेरे साथ। कलर करें, शाबाश। तो बच्चे देखें, मैंगो में तकरीबन कलर हो गया है, ठीक है? बस मैंने आपको बताया ना, आपने कलर को अच्छे से पकड़ना है और यूं रख के और कलरिंग करते जाना है बस। और आपने ध्यान रखना है कि कलर बाहर ना निकले, बाकी आपके कलर्स फिर नीट ही होंगे। जब आप अच्छे से पकड़ के ऐसे कलर करोगे ना जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर आपके कलर्स नीट ही होने हैं। ये लें, मैंगो में कलर हो गया, ठीक है? मैंगो में कलर हो गए। बेटा आपका क्लास वर्क ही आपका होमवर्क है, ठीक है? एक दफ़ा फिर मेरे साथ रीडिंग कर लें। वन मैंगो, वन मैंगो, वन मैंगो। योर क्लास इज ऑल्सो योर होमवर्क, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट बुक। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी लर्निंग बुक। सो स्टूडेंट्स, ओपन इट। सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 4। वन हट, ये क्या बना हुआ है? इसको बोलते हैं हट, ठीक है? पढ़े मेरे साथ, वन हट, वन हट, वन हट। अब हम हट में कलर्स करेंगे, ठीक है? सो होल्ड योर कलर्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने ब्राउन कलर लिया है यहाँ कलर करने के लिए, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर विद मी स्टूडेंट्स, नीट नीट कलर करनी है आपने ताकि हट जो है वो ब्यूटीफुल लगे। स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला पार्ट डन हो चुका है, ठीक है? अब हम हट के दूसरी साइड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, हमारे हट में ब्राउन कलर हो चुका है।
ठीक है। अब हमने विंडोज़ में कलर करना है, तो मैं विंडोज़ में ब्लू कलर करने लगी हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने पेंसिल को अच्छे से पकड़ना है और कलर्स करने हैं, फिर आपके कलर नीट होंगे। हमारी इस विंडो में कलर हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट विंडो पे चलते हैं। चलें, शाबाश। और ये देखिए, हमारी इस विंडो में भी कलर्स हो गए हैं, ठीक है। अब हमने रूफ़ पे कलर करने हैं, तो रूफ़ पे मैं करने लगी हूँ डार्क ब्राउन कलर। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल को आपने अच्छे से पकड़ना है और यूं ऐसे कलर करने हैं, ठीक है। और ये हमारा हट कलर्ड हो गया, ठीक है। ये रूफ़ पे भी कलर हो गए हैं हमारे। अब यहाँ ऊपर कलर कर रहे हैं, तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं यहाँ करने लगी हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर भी हो गया और बस अब ये दरवाज़ा रह गया है। तो दरवाजे में हम अब कौन सा कलर करें? दरवाजे में हम रेड कलर कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स स्टूडेंट कलर विद मी। मैंने आपको बताया, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैंने अगर दरवाजे में रेड कलर करना है तो आप भी रेड ही कलर करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे दरवाजे में भी कलर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आप अपनी पेंसिल पकड़ें, अब हम इन डॉटेड नंबर्स को ट्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलें लिखें मेरे साथ। 1, ये क्या लिखा है आपने? 1, ये आपने रखी पेंसिल और इसे यूं नीचे तक लेके चले गए। ये 1 1 1। इसी तरह से बेटा आप लोगों ने बाकी लाइंस भी करनी है। चलिए करें मेरे साथ। सो स्टूडेंट्स, ट्रेस विद मी। आपने पेंसिल को यहाँ रखना है और नीचे तक ले जाना है। ये 1, क्या बोलते हैं इसको? 1 1। नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही ट्रेस करनी है आपने। ट्रेस करें मेरे साथ। शाबाश, वेरी गुड। अब ये हमारी लास्ट रह गई है लाइन, तो हम इसको भी अब जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करें, शाबाश। ट्रेस विद मी लाइक दिस। ये आपने पेंसिल रखी और नीचे तक ले गए, ऐसे ट्रेस करना है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है? योर ट्राई, मतलब अब आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ऊपर पेंसिल रख के नीचे तक ले जानी है ऐसे। चलें, अब ये जो नीचे ब्लॉक्स हैं, ये अब हम लोगों ने खुद करने हैं। लेट्स डू इट। ये पेंसिल रखी और इसे नीचे तक ले गए। ये है 1 1 1 1। तो स्टूडेंट्स, हमारा वर्कबुक का काम भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, हम लोगों ने ट्रेस करना था 1 को और हमने कर लिया। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 1 1 हट 1 हट, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 5, ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोगों ने इसे खुद करके आना है घर से, ओके। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू रीड। सो स्टूडेंट्स, अपनी ये काउंटिंग की बुक खोलें, अब हम पढ़ेंगे। रीड इट स्टूडेंट्स। 1 10
टेडी बियर, वन टेडी बियर, इसको क्या बोलते हैं? टेडी बियर, वन टेडी बियर, ये क्या है? दीज आर बुक्स, व्हाट आर दीज? दीज आर बुक्स, टू बुक्स, टू बुक्स, वन टेडी बियर, टू बुक्स, वन टेडी बियर, टू बुक्स, वन टेडी बियर, टू बुक्स, रीड इट विद मी, वन टेडी बियर, टू बुक्स, वन टेडी बियर, टू बुक्स, वन टेडी बियर, टू बुक्स, वन टेडी बियर, टू बुक्स। स्टूडेंट्स, ये आपका रीडिंग का काम है कि आपने घर से लर्न करके आना है, ओके? चले अब हम साइंस के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर वन है, टेल द नेम ऑफ फाइव पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी के फाइव पार्ट्स के नेम बताने हैं। आंसर है आईज, नोज, हेड, ईयर, लिप्स। रीड इट विद मी, आईज, नोज, हेड, ईयर, लिप्स। आईज, नोज, हेड, ईयर, लिप्स। आईज, नोज, हेड, ईयर, लिप्स। टेल द नेम ऑफ फाइव पार्ट्स ऑफ बॉडी। द आंसर इज आईज, नोज, हेड, ईयर, लिप्स। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म होती है। अपनी डायरी देख लें एक दफ़ा प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स, के मैथ का आपने होमवर्क करना है, कॉपी का, वर्कबुक का पेज नंबर 5 करना है, बुक रीडिंग करनी है, वन टेडी बियर, टू बुक्स, और फिर आपने क्या करना है, साइंस का क्वेश्चन लर्न करना है, टेल द नेम ऑफ फाइव पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।